हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वसीम और आपका इंग्लिश बोल चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपने देखे थे कि रहा है वाले सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। लाइक मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, मम्मी खाना बना रही है, मॉम इज़ मेकिंग फूड, फादर काम पे जा रहे हैं, फादर इज़ गोइंग टू जॉब। आजकल जो लोग हैं मास्क पहन रहे हैं, नाउअडेज पीपल आर वियरिंग मास्क। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट वीडियो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये सारे सेंटेंस पढ़े हैं। लेकिन हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर, ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस है आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार है। अब पहला सेंटेंस आपको देख के लग रहा होगा ये सर सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है। हाँ, मुझे भी पता है अटपटा लग रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे ना आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूअस में ना देयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स होती है, वर्ब्स होती है जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसको हम स्टेटिव वर्ब्स की कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो वो हम यूज़ नहीं करते, जैसे कि सेंटेंस देखते हैं पहले तो कुछ, आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। ही इज़ नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है। देखो बोलने में ही अजीब लग रहा है, वह मुझे जान रहा है, बोलने में ही अजीब लग रहा है, ठीक है। लाइक अगर ये सेंटेंस हम ऐसे बोले, वह मुझे जानता है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर लाइकिंग यू, हम आपको पसंद कर रहे हैं, और वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, तो हम आपको चाह रहे हैं। नहीं देखो बोलने में अटपटा लग रहा है, ठीक है, पहली चीज़ तो यही, बाकी सारी बाद में देखते हैं, बोलने में ही अटपटा लग रहा है तो ये सेंटेंस थोड़ा अजीब है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम बनाते ही नहीं है कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट, आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ, आपने बोला सेंटेंस, सर ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, बोलने में भी सही लग रहा है और हमने यूज़ किया वो भी सही लग रहा है। नहीं, आपको मैं अभी बताऊँगा होता क्या है। नाउ ही इज़ हिटिंग मी, वह मुझे नफरत कर रहा है, ठीक है। अब ये भी आपको बोलने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस ना यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, एक ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और रॉन्ग क्या है, वो स्टेटिव वर्ब्स जो होती है ना, वी कांट चेंज विद फोर्थ फॉर्म ऑफ, सॉरी विद आईएनजी फॉर्म्स, ठीक है। हम जो उसको आईएनजी फॉर्म में है वो हम कभी चेंज ही नहीं करते हैं, उसको फोर्थ फॉर्म में कभी नहीं बनाते। अदरवाइज या तो वो सेंटेंस अटपटा बनता है, अदरवाइज उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने बोला कि सर ये सेंटेंस सही था, आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, ठीक है, हियरिंग वर्ड आपने कभी और सुना है कहीं और? हाँ, याद करिए जब कोर्ट वोट की बात होती है, ठीक है, बोलते हैं ना आपकी नेक्स्ट हियरिंग इस दिन है, आपकी नेक्स्ट हियरिंग फलाना दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनवाई हो गई, ठीक है, यहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनवाई होगी, तो इसलिए हम इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। आपने देखा कि हमने इसमें आईएनजी लगाया तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने आईएनजी लगाया तो मीनिंग ही चेंज होगी, और कुछ को जो है हम फोर्थ फॉर्म में चेंज ही नहीं करते हैं, उनकी कोई मीनिंग ही नहीं होती, वो अजीब से लगते हैं हिंदी के द्वारा भी, ठीक है। तो अब हम कुछ वर्ड देखेंगे, जितने भी रिलेटेड स्टेटिव वर्ब्स है वो हम सारे देखेंगे। नाउ आई टेक योर टाइम, तो चलो हम एक एक करके जो अपने वर्ड है, जो स्टेटिव वर्ब्स है, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, किन की मीनिंग चेंज हो जाती है और किन की मीनिंग चेंज नहीं होती है, तो एक बार हम देखेंगे, ध्यान से देखते रहना। तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं लाइक पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है लाइक जिस पे हम अधिकार दिखाते हैं, बोलते हैं ना आई हैव अ कार, ठीक है, तो हम अपना अधिकार बता रहे हैं, अपनेपन की बात बता रहे हैं, ठीक है। सेंस, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग। इमोशन, जो आपकी इमोशन होती है, भावनाएं होती है, फीलिंग होती है, उससे रिलेटेड जो हमारी वर्ड मीन्स है वो देखेंगे हम। मेंटल स्टेट, जो आपके माइंड से रिलेटेड वर्ड्स है वो देखेंगे, और बाकी अदर है थोड़ी बहुत। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोसेशन। पोसेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, किसी अधिकार की बात करते हैं तो वो हमारी जो वर्ड मीन्स है वो बताती है। जैसे हैव का हम सेंटेंस यूज करते हैं कि आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ गुड फ्रेंड, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा दोस्त है। तो इस तरीके के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते हैं, ठीक है, पहली वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट, ऑन। ऑन
एक वर्ड सुना होगा आपने ऑन से ऑनर, ऑन से ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, ठीक है, और ऑन का मतलब होता है मालिक होना, ठीक है। लाइक मैंने बोला कि भाई आई ऑन दिस पेन, तो इस तरीके से आप इस वर्ड में क्या यूज करते हो, तो ये भी ऑइंग के सेंस में कभी यूज नहीं होगा कॉन्टिन्यूस चैप्टर में, ठीक है। पैक, पैकिंग हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सिंपली बोलते हैं ना कि पैकिंग, भाई पैकिंग एक कर दो, दो पैकिंग, तीन पैकिंग, इस तरीके से गिनती में काउंट कर लेते हैं। कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है गाइज, मतलब जैसे किसी चीज़ में कोई चीज़ इंक्लूड होती है। लाइक मैंने बोला कि सपोज दैट एक यहाँ पे भीड़ है, ठीक है, तो उस भीड़ में ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, ठीक। तो अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे बोला, द क्राउड कंसिस्ट मैनी गर्ल्स, ठीक है, तो इस भीड़ में ज़्यादा लड़कियाँ इंक्लूड है, ठीक है, तो इस सेंस में आप वर्ड मीनिंग कंसिस्टिंग नहीं होगा, इन्वॉल्विंग नहीं होगा, इंक्लूडिंग नहीं होगा, कंटेनिंग नहीं होगा, ठीक है। कंटेन का मतलब भी उसके अंदर होना है, लाइक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, लाइक माय फोन कंटेन 4GB रैम, ठीक है, तो उसी के अंदर जो पर्टिकुलर चीज है उसी के अंदर है, ठीक है, तो इस सेंस में हम सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्व इंक्लूडिंग का मतलब जब हम किसी को इन्वॉल्व करते हैं, मिलाते हैं या इंक्लूड करते हैं, जब किसी को मिलाते हैं, इसमें हम ing फॉर्म इसलिए नहीं लगाते हैं। जैसे हम, आपने सेंटेंस सुना होगा, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो वी आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर जो है 5 जने हैं, तो यहाँ पे ing फॉर्म लगाया तो वहाँ पे मिलाकर के सेंस में हो गया, इसलिए हम ing फॉर्म का यूज़ नहीं करते, आई एम इंक्लूडिंग यू, ठीक है, तो ये सेंस नहीं होता हम, तो ये हम कॉन्टिन्यूस चैप्टर में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंस की बात करते हैं, साउंड, आवाज़, हीयर सुनना, स्मेल जो हम सूंघते हैं, सी देखना, लुक मतलब भी देखना होता है, टेस्ट स्वाद करना, टच सुना, फील महसूस करना। देखिए ये वर्ड जो है ये भी हम कॉन्टिन्यूस चैप्टर में यूज़ नहीं करते। देखो फोर्थ फॉर्म में तो देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, फोर्थ फॉर्म में देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चैप्टर में यूज नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। एक आध हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला कि जैसे आपने आई सींग का ले लेते हैं, हम यहाँ पे ing लगाते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। सींग तो इसका मतलब हो जाता है मिलना। लुक आपने बोला होगा सर ये सेंटेंस तो हम देखते हैं, ठीक है, लाइक आई एम लुकिंग, सॉरी ही इज लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है, यू आर लुकिंग ऑसम, आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो इस सेंस में सेंटेंस नहीं। गाइज देखिए आपका ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस नहीं बनेगा, आप कॉन्टिन्यूस में ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, या मैंने बोला कि भाई आप तो अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, देखने की बात हो रही है, लुक का यूज़ किया, सी का यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि हम कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस नहीं बोलते, बोलते हैं हम, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही बन जाएगा आई सी, चाहे अब वो आप हिंदी प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाओ या कॉन्टिन्यूस में बनाओ, हम बनाएंगे इनडेफिनिट के तरीके से ही, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आई सी, ठीक, या मैं देखता हूँ आई सी, लाइक मैंने बोला कि आप अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, ये गलत है, ग्रामेटिकल गलत है, आप क्या बोलोगे, यू लुक गुड, आप बिजी लग रहे हो, आप बिजी दिख रहे हो, ठीक है, यू लुक बिजी, हम कॉन्टिन्यूस में इसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमोशन, जब इमोशन की बात हो, ठीक है, लव, ठीक है, आपने कभी सुना है, या लाइक की बात करूं, आपने कभी सुना है कि आई एम लाइकिंग यू, आई एम लविंग यू, ठीक है, अब हम लव में अगर सपोज दैट ing मिला दे तो लविंग क्या हो जाता है, प्यारा, लाइक बोलते ना कि भाई ये कुत्ता तो बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, लविंग, ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे ing के साथ कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। लाइक पसंद करना, एडोर, सेम है लव और एडोर, डिसलाइक नापसंद करना, हेट, प्रेफर, प्रेफर का हम जब यूज करते हैं जब दो चीज़ों में से आपको एक चूज करना पड़ता है, लाइक एक चाय होगी और दूसरी कॉफ़ी होगी, ठीक है, तो आपको बताना है कि आप क्या पसंद करते हो, तो आप क्या बोलते हो, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी के बजाय जो है चाय पसंद करता हूँ। नेक्स्ट केयर, परवाह करना, ing लगाते हैं, केयरिंग,
बोलते हैं ना भाई कैरिंग, मेरी मम्मी तो कैरिंग है, ठीक है, परवाह करने वाली है, माइंड बुरा मानना, लाइक मैंने बोला डोंट माइंड इट, बोलते हैं ना, तो इसे भी हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। वॉन्ट, चाहना, विश, डिज़ायर, सॉरी, होप, ठीक है। अगर मैं होप की बात करूँ, आशा करना, ठीक है, आई एम होपिंग, मैं आशा कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है, आई होप, हम इसी तरह बोलते हैं और यही हमारा सही सेंस है। नीड, जरूरत होना, वैल्यू, किसी की वैल्यू होना, कीमत होना, ठीक है, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस में, ये भी वर्ड हमारे यूज़ नहीं होते। इसके बाद बात करी हमने मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट किससे जुड़ी होती है, हमारे माइंड से जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे पहला वर्ड मीनिंग वर्ड है जानना, नो मतलब जानना या पता होना, जब हम बोलते हैं कि भाई मुझे पता है, आई नो। अब इसको, इसी को अगर मैं बोलूँ मुझे पता है या मैं जानता हूँ, ठीक है, आप इसको कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे तो मैं जान रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे तो नहीं बोलते ना, आप कभी यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर आपकी बाय चांस हिंदी बना भी लेते हो तब भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनाएंगे, आई नो, मैं जानता हूँ। बिलीव, विश्वास करना, डाउट, कोई शक होता है, लाइक मैंने बोला कि आई डाउट ऑन हिम, मुझे उस पर शक है, आई एम डाउटिंग नहीं होगा, मुझे शक हो रहा है। अगर आपको शक हो रहा है, कॉन्टिन्यूस में हिंदी बन रही है, तब भी हम इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। नेक्स्ट, थिंक, सोचना। आपने बोले सर ये वर्ड तो मैंने देखा है, भाई यूज़ होता है, देखा है तो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ध्यान रखना, ठीक है। आई एम थिंकिंग, स्पीकिंग के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट, ठीक है, लाइक आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, स्पीकिंग में चल जाएगा, बट इट्स ग्रामेटिकली मिस्टेक व्हेन वी मेक इन ING फॉर्म इन कॉन्टिन्यूस चैप्टर। जब हम कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं तब तो ये मिस्टेक है, तब आपको यूज़ नहीं करना थिंकिंग। जब हम थिंकिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच, बोलते हैं ना यार उसकी थिंकिंग बेकार है, ठीक है, फलाने की थिंकिंग बेकार है, उसकी थिंकिंग अच्छी है, मतलब उसकी सोच अच्छी है, तो इसलिए हम कॉन्टिन्यूस चैप्टर में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट, अगर आपकी हिंदी बनती है तो सेम याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक। सपोज, मानना, फॉरगेट, भूलना, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जब किसी को पहचानना, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, रिमेंबर, याद करना। अग्री, डिसअग्री, ठीक है, डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिनाई नहीं होगा। अगर आपको कॉन्टिन्यूस में यूज़ करना है तो इसके बदले एक वर्ड है रिफ्यूज़, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक मैंने बोला कि भाई मेरे पापा तो मना कर रहे हैं, माई फादर इज़ रिफ्यूजिंग। अगर डिनाई में ही बनाना है तो माई फादर डिनाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, प्रॉमिस, वो मुझसे वादा कर रहा है, आपने बोला कि भाई एक आके बात बताया कि भाई यार वो तो सच वच बोल रहा है, ठीक है, भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वो मुझसे वादा कर रहा है, ठीक है, वादा कर रहा है। देखिए आपने बोला कि ही इज़ प्रॉमिसिंग, नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ING लगाओगे तो प्रॉमिसिंग क्या मतलब हो जाता है, होनहार, लाइक एग्जाम्पल के लिए आई एम प्रॉमिसिंग बॉय, मैं एक होनहार लड़का हूँ, तो इस तरीके से आपका जो है सेंटेंस प्रॉमिसिंग में नहीं बनता हमारा ING फॉर्म। तो ध्यान रखना, वो वादा कर रहा है तब भी हम यही बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से, ही प्रोमिसेस मी, ठीक। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, लाइक द मून अपीयर्स एट नाइट, जो चांद है वो रात को दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है तब भी हम इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्लीज़, विनती करने के सेंस में, सरप्राइज, किसी को जब हम सरप्राइज देते हैं ना तो ING फॉर्म में बोलते हैं तो यार ये तो सरप्राइजिंग था, मतलब बढ़िया था, चौंकाने वाला था, ठीक है, तो ING फॉर्म में यूज़ नहीं करते। मीन का मतलब होता है मतलब होना, ठीक है, लाइक मैंने बोला कि इट मीन्स, इसका मतलब है, एक वर्ब की तरह, लेकिन जब ING फॉर्म में लगा देंगे तो अर्थ बन जाता है उसका, जब यहाँ पे ING फॉर्म लगाते हो तो आप, ठीक है, कि भाई इसकी मीनिंग क्या है सर, इसकी मीनिंग क्या है, तो अर्थ बन जाता है कि उसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट, अदर की बात करते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है गाइस कीमत, ठीक है, लाइक मैंने बोला, मार्कर की एग्जांपल लेते हैं, इट कॉस्ट 5 रुपीज़ या 20 रुपीज़, ठीक है, कि इसकी कीमत जो है 20 रुपये है, ठीक है, 20 रुपये होती है, तो कॉस्टिंग नहीं होती, मेजर, नापने के सेंस में, वे, आपके वजन करने के सेंस में, ठीक है। ओ का मतलब होता है किसी पे ऋण, लाइक आभारी होते हैं ना, कर्जदार होते हैं, ठीक है, तो कर्जदार, लाइक मैंने बोला कि भाई मुझे आपको 20 रुपये देने हैं, तो I owe you 20 rupees, ठीक है, ऋणदार होना या कर्जदार होना, इस सेंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ING फॉर्म में कॉन्टिन्यू और चैप्टर में याद
सॉरी बनाते नहीं हैं। सीम, सीम का मतलब लगना, लाइक मैंने बोला कि ऐसा लगता है आप बिजी लगते हो, ठीक है, लगने के सेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो सीमिंग नहीं होता। फिट, फिट में अगर आईएनजी आप बनाते हो तो कैसा हो जाता, फिटिंग, यार ये तो मेरी फिटिंग की है, ठीक है, बोलते हैं ना यार ये तो मेरी फिटिंग की है, मतलब फिट वाली बात जो हो रही है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते। डिपेंड, और लास्ट वर्ड है हमारा मैटर, ठीक है, लाइक इट मैटर्स, मतलब होना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड देखे हमने आपके, जो इन्हें क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स, ध्यान रखना, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और स्टेटिव वर्ब्स हम फोर्थ फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, फोर्थ फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स है हमारे वो कॉन्टिन्यूअस चैप्टर में हम सेंटेंस नहीं बनाते। अगर आपकी कोई इससे मिली जुली जो वर्ड मीनिंग है इससे आपकी हिंदी बन रही है तो आप बना सकते हो, लेकिन जो इसकी इंग्लिश है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो जो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस दूंगा बनाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज़।